अस्सलाम वालेकुम मनम के किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। सो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी। आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना। आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए शिमला मिर्च। मैंने आधा किलो शिमला मिर्च लिया है, उसे कुछ इस तरह से काट के रख लिया है। और मैंने लिया 4 बड़े साइज़ के आलू, उसे भी इस तरह से काट के रख लिया है। और मैंने लिया 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और लाल मिर्चों का पेस्ट। लाल मिर्चों का पेस्ट डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आधा 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चुटकी हल्दी। मैंने 1 टमाटर लिया था, उसे भी बारीक काट के रख लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसे भी काट के रख लिया। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कुकर लिया है, हम गैस ऑन करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम ऑयल पहले थोड़ा ही सा डालेंगे क्योंकि हमें शिमला मिर्च थोड़ा सा फ्राई करना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा। हम अच्छी तरह चलाएंगे और इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। 30 सेकंड हो गया हमें शिमला मिर्च फ्राई करते हुए। अब इसमें हम आलू डालेंगे और शिमला मिर्च आलू को दोनों को साथ में हम 1 मिनट और फ्राई करेंगे। हमने अच्छी तरह से मिला लिया इसे। अब 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। 1 मिनट हो गया हमें शिमला मिर्च आलू फ्राई करते हुए, अब इसे हम निकाल देंगे। हमें इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो। इसी तरह हम सारी सब्ज़ी निकाल लेंगे। मैंने सारी सब्ज़ी निकाल ली है, अब हम उसी को कुकर में बनाएंगे। हम कुकर में ऑयल डालेंगे, आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हो। तेल हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ऐसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है और शिमला मिर्च फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो कुकर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे कुकर में बनाना सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी बहुत जूसी बन के तैयार होती है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारी पिंक हो गई है, अब इसमें हम अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ में हम डालेंगे सारे मसाले जो हमने लिए थे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसाला हमारा जब भून जाएगा फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 1 मिनट लगेगा मसाला भूनने में। मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है हम लोग सब्ज़ी बनाते कढ़ाई में तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार नहीं होती है, जूसी नहीं बनती है। कुकर में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। शिमला मिर्च आप कभी भी बनाएं तो कुकर में ही बनाएं।
एक मिनट हम अपना मसाला भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें हम शिमला मिर्ची और आलू डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखा है। इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं सूखा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें। और इसे दो सीटी आने तक पकाएंगे जिससे हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। दो सीटी आ गया, अब इसे हम खोल के देखेंगे। बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। देखिए आलू गला है कि नहीं, आलू भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं। हमने इसे सर्व कर लिया है, इस पर हम थोड़ा सा अदरक के टुकड़े काट के डालेंगे। हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। आप अपने इस किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।